साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला, तो वहीं इस पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण की स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा लेते और अधिकारियों को लगातार निर्देश देते नजर आए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग तब से लेकर अब तक लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति पर काबू पाने के लिए जुटा हुआ है। इसी क्रम में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। शहर के लोगों ने भी इसे एक सराहनीय पहल बताया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक शहर के अलग अलग हिस्सों में कई ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा चुके हैं और हजारों लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान पर सवाल उठने लग गए हैं। आपको बता दें कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए शनिवार को एमजी रोड स्थित मेगा सिटी मॉल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप की जानकारी मिलते ही यहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए। देखते ही देखते यहां फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इतना ही नहीं, यहां पैदल आने वाले लोगों को भी लंबी कतार देखने को मिली, लेकिन यहां केवल अपनी कार से आने वाले लोगों को ही वैक्सीन देने की बात कही गई, जिससे यहां पहुंचे टू व्हीलर वाहन चालकों में खासी नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने इसका ठीकरा प्रशासन के सिर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कई लोग धरने पर भी बैठ गए। 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को जो है आज गुरुग्राम के मेगा सिटी मॉल में बिना अपॉइंटमेंट के जो है वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन यहां पर जो है सुविधा ना होने के कारण लोगों में जो है आक्रोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर आज वैक्सीन के लिए लगवाने आए हैं किस तरह। देखिए सर, बिल्कुल भी अच्छे से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर की नहीं गई है, जबकि कल जो है डीएम साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ड्राइव थ्रू है, आप कोविड की वैक्सीनेशन जो है लगवा सकते हैं। 18 से जो 44 साल तक के जो लोग हैं, 500 स्लॉट रखे गए थे, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ ड्राइव थ्रू। ड्राइव थ्रू का मतलब होता है आप ड्राइव करके अपने वाहन को ला सकते हैं। बकायदा इन्होंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अपने वाहन में बैठे रहते हुए आप टीकाकरण कराए। जब मैंने यहाँ पे पूछा पुलिस कर्मियों से तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो जी मोटरसाइकिल वालों के लिए नहीं है, गाड़ी वालों के लिए है। मैंने जब उनसे सवाल करा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वाहन को ला सकते, तो उनके लिए कहते हैं कि वो तो जी मोटरसाइकिल तो राइड होती है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप मोटरसाइकिल का राइडिंग लाइसेंस बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं? ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? ड्राइव करने का मतलब क्या होता है? आप अपने वाहन को ड्राइव करके ला रहे हैं, यानी कि चला के ला रहे हैं। आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था कि आप अपने जो है फोर व्हीलर से आइए, आप अपने चार पहिया वाहन पर बैठ कर आइए। आपने क्यों नहीं लिखा? और आप जिम्मेदार कसूरवार ठहरा रहे इस आम जनता को। भाई साहब, मतलब जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको क्या वैक्सीनेशन नहीं लगेगी? इनका कहना है कि हम लगाएंगे, आने वाले समय में हम पैदल लोगों को भी लगाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, मैं प्रशंसा करता हूं इनकी, लेकिन इतने समय से क्यों नहीं लगाई गई? अभी बार जितनी बार भी वैक्सीनेशन हुई है, और भी मोस्ट में हुई है, पीछे भी हुई है, वहाँ पर भी जो है सिर्फ गाड़ी वालों के लिए। जी टोटली जुमलेबाजी हो रही है, हाई राइज फैमिली वालों को लगाया जा रहा है, यहाँ पे जो मिडिल फैमिली के हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जो गाड़ी से आएगा उनकी ज़िंदगी की वैल्यू है, जो हाई राइज फैमिली से जो कि पैसे से खरीद सकते हैं उनके लिए वैल्यू है, उनकी ज़िंदगी का वैल्यू है, लेकिन जो लोग आम जनता है, आम जनता जो मर रही है या गरीब आदमी है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइनें जो हैं यहाँ पर लग रही है। लोग एक्टिवा से लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। मैं खुद एक्टिवा से आया हूँ और 5 बजे से मैं यहाँ लाइन में खड़ा हूँ। अब मैं भी खुद एक्टिवा से ही आया हूँ और यहाँ पर मना कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लगेगा, और पैदल यात्रियों को, पैदल जो आ रहे हैं उनको ले जा के अंदर से लगवा रहे हैं। यहाँ पर खड़ा होकर आप देख सकते हो, खुद ले जाते हैं अंदर से और लगवा रहे हैं। हम अपने अपने बंदे को लगवा रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं धूप में, 5 बजे से हम खड़े हैं यहाँ पर सुबह से, अभी तक कोई वो नहीं हुआ। साइकिल पे भी लोग आए हुए हैं, आप देख तो सकते हैं। हम साइकिल से भी लगवाने के, हम लाइन फॉलो भी करेंगे सर, गाड़ी के पीछे जाके खड़े होंगे, परंतु लगे ना टीका तो लगे ना। तो अब इतनी दूर से हमारे पास साइकिल तो है नहीं, ये हमारी औकात तो है नहीं। हमारी औकात जो साइकिल की है वही रखेंगे ना, हम गाड़ी कहाँ से खरीद के लेके आएंगे? यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। मैं एग्री करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये गाड़ी के पीछे मैं जहाँ लंबी लाइन है फेस वन से, मैं वहाँ साइकिल लेके खड़ा होता हूँ, पर लगे टीका हमें साइकिल वालों को लगे ना। अब ये स्कूटी वालों को नहीं लग रहा, किसी को लग रहा, हम तो मेहनत कर रहे हैं। मैं पूरा दिन धूप में खड़ा रहूंगा,
मैं ये भी बोल रहा हूँ, पर रहूँगा लाइन से आऊँगा मैं। गुरुग्राम के MGF मेगा सिटी मॉल में आज 18 से 44 साल के लोगों को जो है कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ लगाई जानी थी, लेकिन लोगों की भीड़ जो है भारी उमड़ गई, जिससे लोगों में जो है काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया। लोग जो है यहाँ पर धरने पर भी बैठ गए, क्योंकि अपना लोगों को जो है यहाँ वैक्सीन नहीं लगाई गई। ऐसे में कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर आज यहाँ वैक्सीन लगवाने आए थे क्या सुविधा यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह? सर सुविधा के नाम पे तो जीरो है जी, प्रशासन फेल हो गया है। इसके पीछे वजह बताता हूँ, इन्होंने कहा था ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन होगा। ड्राइव थ्रू का मतलब है आप अपनी गाड़ी से आइए, टू व्हीलर से आइए, स्कूटर से आइए, साइकिल से आइए और आपको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। यहाँ पे आके हमें कहा गया आप टू व्हीलर पे आए हो, आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। हमसे ये कहा गया कि आप ना पब्लिक को परेशान कर रहे हो क्योंकि आप स्कूटी पे आए हो। भाई स्कूटी पे आए हैं तो क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन हमें वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई, हमें साफ मना कर दिया गया कि प्रशासन की गाइडलाइन है जो गाड़ी में आएगा, जिसके पास चार पहिए वाली गाड़ी है उसको ही वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी कि जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो गरीबी रेखा के नज़दीक है, वो जिसके पास स्कूटी है वो वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी उसको, क्योंकि उसे जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं धरने पर ही बैठा था, मेरा साथ कुछ लोग भी बैठे थे, पर पुलिस प्रशासन ने आके हमारे ऊपर हाथ उठाया है, बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया है। एक पुलिस वाले भाई साहब ने तो मेरा फ़ोन भी उठा के फेंक दिया, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें उनकी रिकॉर्डिंग भी है, पर फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं है। धमकी दी है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो उठा के कोरोना प्रोटोकॉल में बंद कर देंगे। तो अब क्या यहाँ पर आपको कहा गया है जब आप धरने पर बैठे, तो किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया और वैक्सीन अब लगवाने जब क्या व्यवहार ये है कि जब पुलिस प्रशासन उठा के मारपीट करने पर उतार हुए तो पुलिस के साथ तो कोई हाथापाई की नहीं जाएगी, पुलिस का तो सहयोग ही किया जाएगा। बस उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हम जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं, हमें धरना देने दो या वैक्सीन लगवा दीजिए, पर पुलिस प्रशासन ने वो भी नहीं सुना और कोरोना का प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए बुरी तरीके से धक्के दे के हमें निकाला है। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, आपको कभी मेरी फुटेज चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सुबह से प्रतीक्षा करते करते 4 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। जिसके पास टू व्हीलर है वो अलाउड नहीं है, 4 व्हीलर को अलाउड है। मेरे घर में भी छोटा सा बच्चा है, मैं भी चाहती हूँ मुझे वैक्सीन लगे। मेरे ससुर है, उनकी 65 साल की है। बस मैं यही कहना चाहूँगी वो कीजिए आप हमें और वैक्सीन लगाइए। इस मौके पर डिप्टी CMO डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि लोगों की मांग के अनुसार ही साइबर सिटी गुरुग्राम में इस तरह के ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। आज के ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप में केवल गाड़ी में आने वाले 500 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था। ये एक ऐसा शुरुआत है जो काफ़ी समय से लोगों की मांग थी कि ऑनलाइन की बजाय अगर ये वॉक इन कर दिया जाए, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन तो हो जाता था इजीली लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो पाता था। तो इसको देखते हुए आज हम लोगों ने एक ट्रायल किया है कि अगर हम वैक्सीन ड्राइव करें और उसमें देखें कि कैसा रहता है रिस्पांस, तो जैसा देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। इनफैक्ट लोग अपनी बाइक और पैदल भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारा बेसमेंट होता है पार्किंग का, वहाँ पर कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए जो कार में आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन कार में करके और उनको वेट करने के लिए पार्किंग में ही कार के अंदर हम बोल देते हैं। तो ये थोड़े लोगों से मेरी अनुरोध है कि वो परेशान ना हो, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर पूरे ज़िले में हम ऑन स्पॉट वॉकिंग शुरू करने वाले हैं अपने हेल्थ सेंटर्स को। कितनी वैक्सीन का लक्ष्य जो है आज यहाँ रखा गया है और लोगों में, युवाओं जो 18 से 44, कितना उत्साह उनमें है इस ड्राइव थ्रू वैक्सीन? अगर 18 से 44 की बात करें तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, और अगर मैं बात करूं कि आज के डोज़ की तो 500 का डोज़ रखा हुआ है हमने, और 500 का डोज़ जो है वो आप समझ सकते हो कि ऐसा लग रहा वो भी कम है। ये वैक्सीन ड्राइव आज पहला दिन नहीं है, आपको पता है कि पिछले कम से कम 20 दिन पहले से हमने वैक्सीन ड्राइव शुरू किया हुआ है। सेंट्रल सिटी मॉल हो गया, साइबर हब हो गया, एम्बियंस मॉल हो गया, और ये सेम रहा हुआ है कि 4 व्हीलर्स अलाउड है। तो अगर कोई ये कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, लेकिन मैं उनको फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो निराश ना हो। सोमवार या मंगलवार से हम ज़िले में अपने 18 से 44 साल के लोगों का अपने हेल्थ सेंटर या उसके नज़दीक जो हमारे सेंटर्स होंगे, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो, स्कूल हो, हम वहां सभी लोगों के लिए ऑन स्पॉट रखेंगे, किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति निराश ना हो, क्योंकि जल्द ही आगामी कुछ दिनों में इस तरह के और भी कई वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे और सभी को वैक्सीन दी जाएगी। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।